राजधानी भोपाल में कांग्रेस लोकसभा चुनाव मीडिया प्रभारी चरण सिंह सपरा ने गुरुवार को प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि 14 जनवरी से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी, जो कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के मुद्दे, दलित और आदिवासियों पर बढ़ते अत्याचार को लेकर फोकस करेगी। इसी कड़ी में चरण सिंह ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से मध्य प्रदेश की सरकार चल रही है। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी और शाह को वृंगा बिल्ला बताया है। आज के दिन मैं विशेष रूप से आपके सामने आया हूं कि आप सभी को पता है कि आदरणीय श्री राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो 14 जनवरी से वो आरंभ हो रही है, उसकी शुरुआत हो रही है। मणिपुर से मुंबई तक इस यात्रा में जाना है। लोकसभा चुनाव मीडिया प्रभारी चरण सिंह सपरा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में युवा चेहरों को मौका दिया जाएगा। जिस राज्य में हमारा गठबंधन हुआ है उन राज्यों को लेकर 10 या 12 दिन में निर्णय आ जाएगा। जितने संकेत आपने अभी दिए वो सभी संकेत आपने नए चेहरे के दिए, तो ये प्रथा आगे भी चलेगी और नए चेहरे कांग्रेस पार्टी हमेशा देना चाहती है, हर चुनाव में देना चाहती है। लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे पहले ये देखा जाएगा कि ये जिताऊ व्यक्ति है कि नहीं, जीत सकता है कि नहीं। जीतने वाला चाहिए, जिताऊ चाहिए, बिकाऊ नहीं चाहिए।